हेलो गाइस, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी गिवन है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको लास्ट टर्म से पहले वाली कोई टर्म आपसे पूछी जाए तो आप उस एपी को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, आपको एपी क्या गिवन है, 3, 8, 13 इस तरह से गिवन है। तो आपको गैप तो पता चल रहा है कितने कितने का डिफरेंस है। तो 3 के बाद 8 आया है, मतलब कितना, 5 का गैप। 8 के बाद कितना आया, 13, 13, 8 और 13 के बीच में कितना है, 5, यानी 5 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली लास्ट टर्म को पहले लिखूं तो सेकंड लास्ट टर्म क्या रही होगी, तो 253 में से 8 पहले वाली टर्म यानी 258 आ जाएगा, फिर उसमें 5 कम कर दो 243 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा 13, 8 और 3। हमने क्या किया, इस एपी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, लास्ट टर्म से 20th टर्म पहले की बात कर रहा है, तो लास्ट टर्म से, ये जो लास्ट टर्म थी, तो यानी अब हमने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ से 20 टर्म फाइंड कर लीजिए। तो 20 टर्म फाइंड करोगे तो बच्चों अब एपी आपकी नई एपी ये है, तो ये एपी की पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस होता है यानी बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, यानी डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस -5। ठीक है, और कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको, 20, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 20। आपको फॉर्मूला पता है ए एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। ठीक है, तो 20 टर्म फाइंड कर लोगे, ए की वैल्यू कितनी आपकी, 253। 20, एन कितना था, 20, 20-1 कितना हो गया, 19, और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, -5। ठीक है, 19, 5 95 हो जाएगा, और 253 में से 95 को माइनस करोगे तो 158 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आती है बच्चों। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अगर इसको एक दूसरा मेथड भी है, दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स ना करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो रिवर्स नहीं करना चाहते तो मत करो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेना, तो जितनी भी टर्म आएंगी वहां से पीछे से उतनी ही टर्म कम करके देख लेना कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको क्या है कि मान लो 30 टर्म आई है और आपको फाइंड कितनी करनी है, कौन सी करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है, तो 30 को काउंट करोगे, 30 से काउंट करके 20 टर्म देख लेना कौन सी है, तो वहां से भी कर सकते हो आप, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बैठ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटी होगी, वहाँ पर n फाइंड करना है, फिर आपको 20 टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर केवल डायरेक्ट आपको 20 टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, बस केवल आपको रिवर्स करना है किसको, अपनी एपी को, जो भी एपी आपको गिवन है उसको रिवर्स करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।